हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स सीरीज़ में नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने सितंबर और अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स को देख लिया था, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और ये आने वाले 70वीं GPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो पहली न्यूज़ नवंबर 2023 में रही थी, उसमें है बिहार में जो डाइट गतिविधि है उसमें बिहार जो है तीसरे राज्यों में शामिल हो गया है, यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। और उस रिपोर्ट के अनुसार केरल पहले स्थान पर है, किस मामले में, तो डाइट गतिविधियों के मामले में। और वहीं महाराष्ट्र है वो दूसरे स्थान पर है और बिहार तीसरे स्थान पर रहा है। उसके बाद अगले न्यूज़ की ओर हम बढ़ें, तो जो CBSE के द्वारा ईस्ट जोन जूडो चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था पटना में, और इस जूडो चैम्पियनशिप में श्वेतांक को बेस्ट जूडो का अवार्ड मिला है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो श्वेतांक का संबंध किससे है, जूडो से है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये बिहार विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया था। उसके बाद दुर्गा सिंह हैं जो कि गोपालगंज की रहने वाली हैं, इन्होंने 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और जो 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। तो दुर्गा सिंह का नाम याद रखना है, कहाँ की रहने वाली, गोपालगंज की रहने वाली, कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक किसमें, नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। और एथलेटिक्स में क्या है, ये दौड़ अंडर 18 में। उसके बाद अगली न्यूज़ है, बिहार में जो आरक्षण का दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है, और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद उसको विधानसभा में भी पास कर दिया गया है। तो जो टोटल जो सीमा है आरक्षण का वो 75% हो गया है, और जिसमें से 25% अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए, और 18% आरक्षण OBC के लिए निर्धारित किया गया है। उसके बाद ST के लिए 20% और SC के लिए 20% और ST के लिए 2%। और वहीं EWS जो है यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10%। और इस प्रकार जो टोटल आरक्षण का दायरा है वो कितना कर दिया गया है, 675%। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट ये हुआ था पटना में, इसका आयोजन हुआ था मौर्य होटल में, और इसमें 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और इसके अलावा जो वेदांता ग्रुप है उसने बिहार में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है, योजना रखी है। ठीक है, उसके बाद जो अगला न्यूज़ रहा था वही आरक्षण संशोधन बिल पेश हुआ था। उसके बाद यूसरा फातिमा जो कि सिवान की रहने वाली है, इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। क्यों इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, क्योंकि ये सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली पहली लड़की या पहली किशोरी बन चुकी है। इन्होंने अभी तक 4 हिंदी काव्य लिखा है, जिसमें पहला है जज्बा और दूसरा है मेरे हिस्से की कहानी। ठीक है, मेरे हिस्से की कोशिश। उसके बाद जो तीसरा है वो है शाम और तन्हाई, और जो चौथा है वो है बेरुखी। तो इन्होंने 4 हिंदी काव्य लिखे हैं और सबसे कम उम्र में लिखने का इनके पास रिकॉर्ड है। जो अगला न्यूज़ है वो सोनपुर मेला से संबंधित है। सोनपुर मेला आप सभी जानते हैं, बिहार का विश्व प्रसिद्ध मेला है ये, और एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला में से एक है। ये कहाँ पर
सोनपुर स्थित है, तो सोनपुर सारण और वैशाली जिला की सीमा पर स्थित है। और अगर हम बात करें नदियों के संदर्भ में तो ये गंगा और गंडक के संगम पर स्थित है। और यहाँ पे हर वर्ष जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन से मेला का आरंभ होता है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है और वहीं स्थानीय लोग इसे छत्र मेला कहते हैं। हरिहर क्षेत्र मेला का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे हरिहर यानी हरि और हर की एकीकृत मूर्ति है। एकीकृत मूर्ति का मतलब एक ही में दोनों का मूर्ति समाया हुआ है। और दुनिया की एकलौती मंदिर ऐसी है जहाँ पे हरि और हर यानी विष्णु और हर यानी महादेव दोनों की मूर्ति एकीकृत रूप में है। और अगर हम ऐतिहासिक महत्व के रूप में देखें तो इस मेले का काफ़ी ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और वीर कुंवर सिंह जैसे महान योद्धाओं ने यहाँ से हाथी खरीदते थे यहाँ से। तो यहाँ पे इस मेले के संदर्भ में कहा जाता है इस मेले में सुई से लेके हाथी तक मिलता है, यानी कि आपको सुई भी चाहिए तो इस मेले में मिलेगा और आपको हाथी भी चाहिए तो इस मेले में आपको मिलेगा। उसके बाद जिस प्रकार अयोध्या का विकास किया गया है उस प्रकार सीता की जो जन्मस्थली है मिथिला, यानी कि ये मिथिला कहाँ पे है, सीतामढ़ी बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में स्थित है और यहीं पे है पुनौरा धाम। तो आपको याद रखना कि पुनौरा धाम कहाँ पे, सीतामढ़ी में। और यहाँ पे माना जाता है कि माँ सीता का जन्म यहाँ पे हुआ था, तो इसको जो है विकसित किया जाएगा और इस स्तरीय जो भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी बिहार सरकार के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है ये नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। इसमें सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और इसमें 50% सब्सिडी भी मिलेगा। साथ ही इसमें ट्रेनिंग के लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे और जो ऋण होगा उसको 7 वर्षों में चुकाना होगा, ठीक है, 7 वर्षों में चुकाना होगा। और इसमें 3 किस्तों में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें पहली किस्त जो है उसमें 4 लाख, दूसरी किस्त में भी 4 लाख और तीसरी किस्त में 2 लाख, कुल 10 लाख 3 किस्तों में। तो नवंबर महीना में ये न्यूज़ इसलिए था क्योंकि पहली किस्त जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की जारी की गई थी। उसके बाद राज्य के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा मासिक रूप से एक रैंकिंग निकाली जाती है जिसमें जो विभागीय योजनाओं को लाभ लोगों तक पहुंचाने में जो मधुबनी ज़िला है, मधुबनी वो अव्वल रहा था और नालंदा जो है सबसे नीचे रहा था। उसके बाद फरक्का कहलगांव जो परियोजना है इसके द्वारा बिहार में 159 मेगावाट जो है बिजली बिहार को मिलेगी। तो कितने यूनिट है, 3 यूनिट के द्वारा 159 मेगावाट बिजली मिलेगी फरक्का कहलगांव परियोजना से। उसके बाद बिहार में शराबबंदी, आप सभी जानते हैं कि शराबबंदी है, तो सरकार के द्वारा जो है सभी ज़िलों के लगभग 25,000 घरों का सर्वे किया जाएगा। और 2023 में भी ये सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया था कि 1,82,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। उसके बाद जो अगला न्यूज़ है वो है मछली के मामले में बिहार आत्मनिर्भर है, यानी कि बिहार में काफ़ी मछली का उत्पादन होता है जिसमें से कतला जो है वो सर्वाधिक लोगों के द्वारा पसंद की जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे रोहू है और तीसरे स्थान पे क्या है, मृगल जिसको नैनी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये 3 मछली जो है ये सर्वाधिक डिमांड है, लोगों के द्वारा पसंद की जाती है और पूरे देश भर में बिहार 4थे स्थान पर आता है, यानी कि जो टॉप 4 राज्य हैं मछली उत्पादन में उसमें बिहार शामिल है। उसके बाद मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। तो मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में क्या होगा, ये 2025-26 तक इसका संचालन होगा और इसमें बस खरीदने पर 5 लाख रुपए का जो है अनुदान दिया जाएगा। और इसमें कौन से प्रखंड शामिल हैं,
जिला मुख्यालय वाले प्रखंड को छोड़कर सभी प्रखंड इसमें शामिल हैं और प्रत्येक प्रखंड से 7 लाभुक का चयन किया जाएगा और उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। तो यहाँ पे नवंबर 2023 के जो भी करंट अफेयर्स हो सकते थे ये सभी यहाँ पे कवर किए गए हैं। और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में अगर नवंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें से बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और इसके अलावा अगर कुछ और आपको डिमांड है तो वो भी हमें बताएं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।